हाई एवरीबॉडी वेलकम टू वी एल एस आई पॉइंट सो आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने फ़ीफ़ो के बारे में बात किया था कि फ़ीफो क्या होते हैं फ़ीफो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कहाँ पे हम फ़ीफ़ो का यूज़ करते हैं एंड मैंने आपको बेसिक आइडिया भी दिया था फ़ीफ़ो डेप्थ कैलकुलेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फीफो डेप्थ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है आज हम किसी भी फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे कि मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला दे दूँ और उस फार्मूले पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो नो मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी और उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप फीफो डेप्थ कैलकुलेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे तो अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस चैनल पर आपको वी से रिलेटेड सारे कॉन्टेंट मिलते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सो एज़ यू ऑल नो FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और इसका यूज़ हम करते हैं डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए FIFO को ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो दोनों की ही कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है मेनली दो पॉसिबल टाइप के सीनैरियोज़ होते हैं पहला सिनेरियो ये है कि हमारी राइटिंग स्पीड ज्यादा हो और रीडिंग स्पीड कम हो तो इस कंडीशन में हमेशा ओवरफ्लो होता है एंड डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं वहीं सेकेंड टाइप का सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि हमारी राइटिंग स्पीड कम हो और रीडिंग स्पीड ज़्यादा हो तो वहां पर हमेशा अंडरफ्लो होता है फीफो का साइज मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मच डेटा इज रिक्वायर्ड टू बफर ऑल्सो आप जब भी फीफो डेप्थ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आप हमेशा वर्स्ट कंडीशन को ही कंसिडर किया करो तो ये तो बात हो गई एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कि फ़ीफो के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी एंड आपको करना क्या है क्वेश्चन मिलने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है खुद से ट्राई करना है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड देन मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी तो आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैच करोगे मेरे सोल्यूशन के साथ तो इस तरह से आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फ्रिक्वेंसी इज गिवेन विच इज़ हंड्रेड मेगा हर्च एंड रीड फ्रिक्वेंसी इज़ फिफ्टी मेगा हर्च बस्ट साइज है वन ट्वेंटी अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कभी भी अगर हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर डेटा जो है वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए ये हमेशा बर्स्ट के फॉर्म में होना चाहिए ऑल्सो क्वेश्चन में ये मैंशनड है कि कोई भी आइडल साइकिल नहीं है बिटवीन रीड एंड राइट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता देती हूँ अब आप इस डायग्राम को देखना यहाँ पे दो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई मॉड्यूल एक्स जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है एंड मॉड्यूल वाई जो है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है अब कभी भी अगर आप मॉड्यूल एक्स के थ्रू कुछ डेटा को राइट करना चाह रहे हो एंड मॉड्यूल वाई के थ्रू आप कुछ डेटा को रीड करना चाह रहे हो इस कंडीशन में क्योंकि फ्रिक्वेंसी अलग अलग है तो यहाँ पर आपको फीफो की रिक्वायरमेंट होगी डेटा को स्टोर करने के लिए बिकॉज आपकी राइट करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और रीड करने की फ्रिक्वेंसी कम है तो यहाँ पे हमारे डेटा लॉस होने के चांसेस हैं और उस डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए ही हम यहाँ पर फीफो यूज कर रहे हैं वहीं अगर इसका ऑपोजिट केस होता यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रीकवेंसी की तरफ डेटा का ट्रांसमिशन होता यानी कि हमारी राइट करने की फ्रिक्वेंसी लो है और रीड करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पर हमको फीफो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जस्ट एक सिंक्रोनाइजर सफिशियंट होता है उस कंडीशन में अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है रीड फ्रिक्वेंसी एंड राइट फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये कैलकुलेट करना है एक डेटा को राइट करने में कितना टाइम लगने वाला है तो आपकी राइट फ्रीकवेंसी यहाँ पर क्या दी हुई है 100 मेगा सो टाइम टेकन टू राइट वन डेटा आइटम एक डेटा आइटम को राइट करने में आपको कितना टाइम लगेगा वन अपॉन राइट फ्रीक्वेंसी यानी कि वन अपॉन हंड्रेड मेगा दैट इज नथिंग बट टेन नैनो सेकेंड अब हमारे पास जो टोटल बस्ट साइज है वो 120 दिया है बस्ट साइज का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड टोटल डेटा जो आपको ट्रांसफर करना है उसको हम कहते हैं बस्ट साइज सो टोटल डेटा को राइट करने में आपको कितना टाइम लगेगा टोटल डेटा इन एक डेटा को राइट करने में जो टाइम लग रहा है तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा वन ट्वेंटी दैट इज द बस्ट साइज देन वन ट्वेंटी इंटू टेन नैनो सेकेंड जो कि हमारे एक डेटा को राइट करने में रिक्वायर्ड टाइम है सो वन ट्वेंटी इंटू टेन यानी कि ट्वेल्व हंड्रेड नैनो सेकेंड ये हमारा टोटल टाइम है बर्स्ट राइट करने का अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे एक डेटा आइटम को रीड करने में कितना टाइम लग रहा है सो दैट इज़ नथिंग बट वन अपॉन रीड फ्रिक्वेंसी इस क्वेश्चन में ये क्या होगा वन अपॉन फिफ्टी मेगा हर्च दैट इज़ नथिंग बट ट्वेंटी नैनो सेकेंड अब टोटल डेटा आइटम को राइट करने में हमको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड और एक डेटा को रीड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 20 नैनो सेकेंड सो जो टोटल टाइम है 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड उसमें हम कितने डेटा को रीड कर लेंगे ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे दैट ट्वेल्व हंड्रेड नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी नैनो सेकेंड तो आंसर इसका क्या मिला सिक्सटी यानी कि आपके पास सपोज एक एग्जांपल आप ले लो कि टोटल आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ डेटा है उसको राइट करने के लिए आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि इतना टाइम तो मुझे लगेगा इस पूरे डेटा को राइट करने में अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो कि उतने टाइम में आप कितना डेटा रीड कर पा रहे हो तो आप सिर्फ 60 डेटा ही रीड कर पा रहे हो यानी कि आपका टोटल बस्ट साइज कितना था 120 ट्वेंटी और उसको राइट करने में कितना टाइम लग रहा था 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड बट उस टाइम में आप सिर्फ 60 डेटा ही रीड कर पा रहे हो यानी कि आपका कितना डेटा रिमेनिंग बच जा रहा है 120 ट्वेंटी माइनस सिक्सटी यानी कि आपको इस पूरे डेटा ट्रांसमिशन में एक ऐसा फ़ीफो यूज़ करना होगा जिसकी डेप्थ हो 60 जो 60 डेटा आइटम्स को स्टोर कर सके बिकॉज यहाँ पे चांसेस क्या है कि जो रिमेनिंग 60 डेटा है वो लॉस हो सकते हैं और उस लॉस को अवॉइड करने के लिए ही हमको एक फ़ीफो यूज़ करना होगा जिसका डेप्थ होना चाहिए 60। तो so ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन से समझ में क्या आया कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा राइट फ्रीक्वेंसी रीड फ्रीक्वेंसी एंड बर्स्ट साइज अब अगर कोई भी आइडल साइकिल नहीं है तो सिंपली आपको क्या करना है वन डेटा को राइट करने में जितना टाइम लग रहा है आपको वो निकाल लेना है देन जो टोटल बस्ट साइज है उसमें कितना टाइम लगेगा वो निकालना है देन सिंगल डेटा को रीड करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है एंड उसकी हेल्प से आपको निकाल लेना है कि कितना डेटा जो है वो आपका लॉस होने जा रहा है सो so, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस फीफो डेप्थ की हेल्प से आप बर्स्ट टू बस्ट गैप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो बर्स्ट टू बस्ट गैप इज नथिंग बट फीफो डेप्थ इंटू एक डेटा आइटम को रीड करने में जो टाइम लगता है वो सो so, हियर 60 इंटू ट्वेंटी नैनो सेकेंड दैट इज़ नथिंग बट 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा फीफो डेप्थ इज 60 एंड मिनिमम बर्स टू बस्ट गैप इज 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड तो ये तो एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह, बट इसमें एक ट्विस्ट है देखते हैं वो ट्विस्ट क्या है यहाँ पे राइट फ्रिक्वेंसी है 200 मेगाहर्ट्ज़, रीड फ्रिक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज़, बर्स्ट साइज इज़ 120, ट्वेंटी बट यहां पे आइडल साइकिल्स गिवन है बिटवीन टू सक्सेसिव राइट ये क्या है वन एंड आइडल साइकिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव रीड इज टू अब कभी भी अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे आप एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके देन हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा सॉल्व करने का अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि दो सक्सेसिव राइट ऑपरेशन के बीच में कितने आइडल साइकिल्स हैं वन अब अगर आइडल साइकिल वन है दैट मींस कि एक साइकिल में तो आप अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एंड दूसरी साइकिल आइडल है यानी कि इन, इन दो साइकिल के बाद ही आप अपना नेक्स्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे सो यू कैन से कि दो सक्सेसिव राइट right के बीच में आपकी कितनी साइकिल्स जा रही है दो साइकिल्स जा रही हैं वैसे ही अगर हम रीड ऑपरेशन के लिए देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है दो सक्सेसिव रीड के बीच में कितनी आइडल साइकिल्स हैं दो साइकिल्स हैं यानी कि दो तो हमारी आइडल साइकिल्स हो गई और एक साइकिल जहाँ पर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि दो सक्सेसिव रीड ऑपरेशन के बीच में टोटल कितनी साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी थ्री साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी अब देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे भी आपको एक डेटा आइटम को राइट करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है जिसके लिए फॉर्मूला क्या है वन डिवाइडेड बाय राइट फ्रीक्वेंसी बट क्योंकि यहाँ पे कितनी साइकिल्स हमारी हो रही हैं दो साइकिल्स हो रही हैं बिटवीन टू सक्सेसिव राइट ऑपरेशन तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे टू इन टू वन बाय राइट फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है टू डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड मेगा हर्च दैट इज नथिंग बट टेन नैनो सेकेंड ये हो गया एक डेटा आइटम को राइट करने में जो टाइम लग रहा है अब अगर आप टोटल बस्ट को राइट करने का टाइम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी इंटू टेन नैनो सेकेंड दैट इज नथिंग बट ट्वेल्व हंड्रेड नैनो सेकेंड ये हो जाएगा आपके टोटल बस्ट को राइट करने में जो टाइम लग रहा है अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक डेटा आइटम को रीड करने में कितना टाइम लग रहा है दैट इज़ सिंपली वन डिवाइडेड बाय रीड फ्रिक्वेंसी बट क्योंकि यहाँ पे दो सक्सेसिव रीड के बीच में थ्री साइकिल्स आ रही हैं तो आपका टोटल जो टाइम है एक डेटा को रीड करने का एक डेटा आइटम को रीड करने का वो कितना होगा थ्री डिवाइडेड बाय रीड फ्रीक्वेंसी। सो थ्री डिवाइडेड बाय 50 मेगा दैट इज़ नथिंग बट 60 नैनो सेकेंड अब मे भी यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है बट मेरा पर्पज़ यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना नहीं है मेरा पर्पज़ है आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे मैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं बता रही हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर फार्मूले को याद करना है और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इट्स नॉट लाइक दैट क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट लाएगा कोई चेंज करेगा तो आपका वो फार्मूला काम नहीं करेगा इसलिए मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ अब आपने टोटल बस्ट को राइट करने में टाइम निकाल लिया दैट इज 1200 हंड्रेड नैनो सेकेंड और आपने एक डेटा को रीड करने में टाइम निकाल लिया दैट इज 60 नैनो सेकंड अब अगर आपको ये निकालना है कि आप कितने डेटा को रीड कर लोगे उस 1200 हंड्रेड नैनो सेकंड के ड्यूरेशन में तो उसके तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे 1200 हंड्रेड नैनो सेकंड डिवाइडेड बाई सिक्सटीन नैनो सेकंड दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी अब फी डेप्थ आप कैसे कैलकुलेट करोगे बस्ट साइज माइनस जो आपको यहां से आंसर मिला है ट्वेंटी तो इसका आंसर क्या तो यहाँ पे फीफो डेप्थ की वैल्यू क्या होगी 120 ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी दैट इज़ नथिंग बट 100 तो इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसा फ़ीफो यूज़ करना है जो 100 डेटा आइटम्स को स्टोर कर सके और यही इस फ़ीफो की डेप्थ होगी तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और सही आंसर तक पहुंच गए थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट फ्रिक्वेंसी इज़ ट्वेंटी मेगा हर्ज रीड फ्रिक्वेंसी इज़ फिफ्टी मेगा हर्ज बस्ट साइज़ इज़ वन ट्वेंटी अब यहाँ पर हमको ड्यूटी साइकिल गिवन है ड्यूटी साइकिल ऑफ राइट इनेबल इज़ फिफ्टी परसेंट एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ रीड इनेबल इज़ ट्वेंटी फाइव परसेंट अब फिफ्टी परसेंट ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है वन बाई टू एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है वन बाय फोर अब ड्यूटी साइकिल से यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो लेट मी एक्सप्लेन दैट अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 50 परसेंट है दैट मीन्स कि आपका जो राइट right इनेबल है वो सिर्फ 50 परसेंट टाइम तक ही हाई है उसके बाद इसकी वैल्यू जीरो है तो इसको आप एक एज अ आइडल साइकिल भी ले सकते हो कि 50 परसेंट के बाद ये आइडल हो जा रहा है यानी कि दो सक्सेसिव राइट के बीच में टोटल आपको कितने साइकिल्स लग रहे हैं टू साइकिल्स लग रहे हैं वैसे ही रीड इनेबल के लिए ड्यूटी साइकिल क्या है ट्वेंटी आपका जो रीड इनेबल है वो सिर्फ ट्वेंटी टाइम के लिए ही हाई है रिमेनिंग सेवेंटी में ये लो है तो दो सक्सेसिव रीड के बीच में भी हमको टोटल कितने साइकिल्स लग रहे हैं फोर साइकिल्स लग रहे हैं सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप अपने ड्यूटी साइकिल को कन्वर्ट कर लेते हो इस फॉर्म में सो इट इज नथिंग बट योर अंडरस्टैंडिंग अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन चुका है अब अगर आप वन डेटा आइटम को राइट करने के लिए टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ आपको सिमिलर वे में लेना है टू डिवाइडेड बाय राइट फ्रीक्वेंसी जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका एक डेटा को राइट करने में जो टाइम लग रहा है अब टोटल बस्ट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस टाइम को तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा देन आपका दो रीड के बीच में कितनी साइकिल्स लग रही हैं फोर साइकिल्स लग रही हैं सो फोर डिवाइडेड बाय रीड फ्रीक्वेंसी। सो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा एक डेटा आइटम को रीड करने में जो टाइम लग रहा है वो तो अब आपको क्या करना है टोटल बस टाइम को डिवाइड करना है रीड टाइम से जो भी आंसर आपको मिलेगा उसको वन में से आप माइनस कर दोगे तो आपको फीफो की डेप्थ मिल जाएगी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है आपका वन डेटा आइटम को रीड करने का टाइम लग रहा है एटीन नैनो सेकेंड और उसको राइट करने का टाइम कितना लग रहा है 10 नैनो सेकंड टोटल बस टाइम आ रहा है ट्वेल्व हंड्रेड एनो सेकेंड जब आप 1200 को डिवाइड करोगे एक डेटा आइटम के रीड टाइम से तो कितना मिल रहा है 15। सो so, फाइनली यहाँ पे फीफो की डेप्थ क्या हो जाएगी 120 ट्वेंटी माइनस यानी कि 105। तो फीफो की डेप्थ यहाँ पर क्या है 105। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट फ्रिक्वेंसी गिवन है 40 मेगा हर्ज रीड फ्रिक्वेंसी गिवन है 80 मेगा हर्ज बस टाइम है 120. अब यहां पे कोई भी आइडल साइकिल नहीं है रीड एंड राइट के बीच में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मैं चाहती हूँ आप पहले सॉल्व करो देन हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे जो राइट फ्रीक्वेंसी है वो है फोर्टी मेगा और रीड फ्रिक्वेंसी है एटी मेगा यानी कि जो रीडिंग है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू दी राइटिंग तो अगर आप राइट कम स्पीड से कर रहे हो और रीड ज़्यादा स्पीड से कर रहे हो तो यहाँ पर तो डेटा लॉस होने के कोई चांस ही नहीं है तो सिंपली यहाँ पे वन डेप्थ का फीफो जो है वो सफिशियंट होगा बिकॉज देयर इज नो चांसेस ऑफ डेटा लॉस तो काफी सिंपल क्वेश्चन था बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब आपको ये सारे जो भी मैंने बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो आपको, आपको कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में आपकी राइट फ्रीक्वेंसी है 50 मेगा और रीड फ्रीक्वेंसी है 50 मेगा बस्ट साइज है 120 ट्वेंटी ऑल्सो कोई भी आइडल साइकिल नहीं है रीड एंड राइट के बीच में अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि रीड एंड राइट दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है तो अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे फीफो का डेप्थ कितना होगा बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तो क्योंकि यहाँ पे रीड फ्रीक्वेंसी और राइट फ्रीक्वेंसी दोनों सेम फेज में हैं इसलिए यहां पे हमको किसी भी फीफो की नीड नहीं होगी बिकॉज रीड फ्रीक्वेंसी राइट फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों का फेज भी सेम है अगर फेज डिफरेंट होता तो मे बी यहाँ पर हमको फीफो की जरूरत पड़ती बट क्योंकि फेज सेम है तो यहाँ पर फीफो की जरूरत नहीं पड़ेगी सो द आंसर इज फीफो इज नॉट रिक्वायर्ड अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे भी हमारी राइट फ्रीक्वेंसी है फोर्टी मेगा हर्ज रीड फ्रिक्वेंसी है फोर्टी मेगा हर्ज बस्ट साइज इज़ वन फिफ्टी एंड यहाँ पे ड्यूटी साइकिल गिवन है राइट इनेबल के लिए ये है फिफ्टी परसेंट एंड रीड इनेबल के लिए ये है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब ये केस तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है फ्रीक्वेंसी सेम है बट ड्यूटी साइकिल इज गिवन सो देर इज़ अ स्मॉल ट्विस्ट तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देन हम डिस्कस करेंगे आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ तो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है जो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी जिसमें हमने ड्यूटी साइकिल की बात की थी दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट क्वेश्चन यहां पे भी आपको सिंगल डेटा को राइट करने में जो भी आप टाइम निकालोगे दैट इज नथिंग बट टू इंटू वन बाय राइट फ्रीकवेंसी तो इसका आंसर क्या आ रहा है टू बाय फोर्टी मेगा हर्ज दैट इज फिफ्टी नैनो सेकेंड अब आप टोटल बस्ट का अगर टाइम निकालोगे दैट इज नथिंग बट वन फिफ्टी इंटू फिफ्टी नाइनो सेकेंड दैट इज सेवन फाइव डबल जीरो नैनो सेकेंड वैसे ही अगर आप एक डेटा आइटम को रीड करने का टाइम निकालोगे तो वो क्या होगा फोर इन टू वन बाय रीड फ्रिक्वेंसी दैट इज़ फोर डिवाइडेड बाय फोर्टी मेगा हर्च एंड इट इज हंड्रेड नैनो सेकेंड अब फाइनली आपको क्या करना है 7500 फाइव हंड्रेड नैनो सेकंड को डिवाइड करना है हंड्रेड नैनो सेकेंड से तो टोटल आपको क्या मिल रहा है 75 यानी कि फ़ीफो डेप्थ यहां पर क्या होगा 150 फिफ्टी माइनस सेवेंटी फाइव सो द आंसर इज सेवेंटी तो यहां पे आपको एक ऐसे फीफो की जरूरत है जिसका डेप्थ हो 75 तो इस तरह से हमने आज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे डिस्कस कर सकते हो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सो तो गाइस प्लीज़ इसे ज्वाइन करो बिकॉज स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं वहां पे उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं एक कम्युनिटी बिल्ड होती है बी स्टूडेंट्स की आप अपने हर एक छोटे छोटे डाउट्स को वहां पर पूछ सकते हो हेल्प कर सकते हो अदर स्टूडेंट्स की अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो सो ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो लाइक like जरूर करना अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो और चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन गुड बाय टेक केयर